जैसा कि हमने बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत टू पार्ट्स आते हैं, जेनेटिक टूल्स और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक टूल्स के अंतर्गत हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, इसके अंदर हमने प्लाज्मिड वायरसेस, कास्मिड, फॉस्मिड को डिटेल में पढ़ा था, इनके बारे में बहुत कुछ जाना था। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी क्लोनिंग वेक्टर का पार्ट है। तो क्लोनिंग वेक्टर में हमने प्लाज्मिड वायरस, कास्मिड, फॉस्मिड और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को जाना। इन सब की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के माध्यम से दे दूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके उन डिटेल्स को जान सकते हैं। वैसे ही मैंने टेक पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आर्टिफिशियल जीन, डीएनए लाइगेज और एल्केलाइन फॉस्फेटेज के ऊपर भी छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उन्हें भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके इन चीज़ों के बारे में कॉमन बेसिक बातें जान सकते हैं। दूसरा पार्ट डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का है, जिसमें हम चार स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी पहली स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जीन और डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट। ये एक सेल है, इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, उसके डीएनए से हम अपना डिज़ायर्ड डीएनए का सेगमेंट लेंगे, जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। इसको क्या करेंगे हम, सेकेंड प्रोसेस है हमारी सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर। एक सुटेबल वेक्टर का सिलेक्शन करेंगे। हमने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कितने प्रकार के हैं, कॉस्मिड, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, वायरस, फेजमिड्स, इतने प्रकार के हैं। हमने प्लाज्मिड में PBR 322 को भी पढ़ा हुआ है और एग्रोबैक्टीरियम को भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले अपना तीसरी प्रोसेस क्या है, पहले तो हम वेक्टर का सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन सा वेक्टर चाहिए। एक सुटेबल वेक्टर का सिलेक्शन करने के बाद तीसरी प्रोसेस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन जीन एंड वेक्टर और प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, मान लो हमने ले लिया वेक्टर PBR 322, ये वेक्टर ले लिया, तो अब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराएंगे, मतलब इस वेक्टर के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए का सेगमेंट, डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट को इंजेक्ट कराएंगे। ठीक है, और एक क्या बना लेंगे, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए बना लेंगे। के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगे होस्ट सेल के अंदर, इस आरडीएनए को, यानी ये आरडीएनए किससे मिलकर बना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर के रिकॉम्बिनेशन से मिलकर बना है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका ट्रांसफ़र करेंगे हम होस्ट सेल के अंदर, क्या करेंगे इसका ट्रांसफ़र, इस वीडियो में हम हर चीज़ का ओवरव्यू देखेंगे। आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन, डिज़ायर्ड जीन यहाँ पर हम cDNA को कह रहे हैं, cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या काइमेरिक डीएनए। ये कैसे बनता है उसको जानेंगे, इसमें हम cDNA लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, जो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, आइसोलेशन ऑफ mRNA, इसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रोडक्शन ऑफ cDNA, cDNA का निर्माण कैसे होता है उसको जानेंगे। फिर इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बातें हैं जो एग्ज़ामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, जैसे cDNA की उपयोगिता और प्रॉपर्टीज ऑफ cDNA। इसके बाद सेकंड पॉइंट है
सेलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर, इसको भी हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुका है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेजन जीन एंड वेक्टर और प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है इसको हम ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, लेकिन इसको हम फिर से जानेंगे और स्पेशली इसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा तो इसे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की कई विधियाँ हैं, जिसमें कुछ बैक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और कुछ बिना बैक्टर के ही ट्रांसफ़र होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इंजेक्ट किया जाता है बिना बैक्टर की हेल्प से। जो बैक्टर के माध्यम से जो ट्रांसफ़र होता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांडक्शन। बैक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र होता है होस्ट सेल में, आरडीएनए को इंजेक्ट किया जाता है, उसमें हम जीन गन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न जैसी विधियों को आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट्स, जेनेटिक टूल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उनका हमने आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है। जेनेटिक टूल्स के बारे में तो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, अब हम रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमने सीडीएनए फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। सीडीएनए लाइब्रेरी क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर हम सीडीएनए की बात कर रहे हैं तो वो आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन है।